हाय एवरीवन, सो हम अभी देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में। तो ये उसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी ना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए, वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दो तीन वीडियो और आएंगी, तो याद रखिएगा। आप इस वीडियो को इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो या यूट्यूब पर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, तो 1885 से लेके और 1947 तक बिहार का रोल क्या था, ये आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से, इस पार्ट से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन 1885 से लेके 1947 तक आपको पूरा करना होगा और अच्छे से करना होगा, ठीक है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा है कि बिहार का कैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ 1885 से लेके 1912 तक, जब हमारा फॉर्मली बिहार जो है बंगाल से अलग होता है, तो उसके बारे में हम ये आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1857 का पिछले हमने देख लिया था, और 1857 से लेके 1885 यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के तक बिहार में ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट ज़्यादा होते नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मेन हमारा क्या है, 1885 जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि 1885 से लेके 1912 तक जब हमारा बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बनता है फ्रॉम बंगाल, तो क्या क्या इसका बैकग्राउंड था, क्योंकि इस टॉपिक से मैं आपको भी दिखाऊंगा प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर इसके फैक्ट्स को आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ना आज का, इसमें हम देखने वाले हैं कि 1885 जब हमारा कांग्रेस बन जाता है, तो उसके बाद बिहार में क्या क्या रोल निभाया अलग अलग लीडर्स ने, ठीक है। देखिए, हमें पता है कि जिस समय मुग़ल एम्पायर था, तो मुग़ल एम्पायर में बिहार जो है ना, वो एक सेपरेट सूबा था। सूबा यानी कि सूबा इन द सेंस कि प्रोविंस को मुग़ल पीरियड में कहते थे सूबा, ठीक है। अब बिहार जो है वो मुग़ल के काल में, मुग़ल पीरियड में हमारा एक सेपरेट प्रोविंस था, वहाँ के सेपरेट गवर्नर्स होते थे। लेकिन 1740 में जब हमने देखा था बैटल ऑफ घारिया पिछले वीडियो में, कि बैटल ऑफ घारिया में अलीवर्दी खान जो है सरफराज खान को हरा देता है, और हराने के बाद वो इनडायरेक्टली बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों को सेपरेट, एक जो सेपरेट थे उनको मिला लेता है। तो 1740 में जब अलीवर्दी खान जो ओवरऑल बिहार को बंगाल के अंदर मिला के रूल करता है, तो उसी समय से हमारा जो बिहार है वो बंगाल के अंदर आ जाता है। अब होता ये है कि हमें ये पता है कि जब अंग्रेज़ आए थे तो उनका तीन सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये तीन सेंटर उनका पावर सेंटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। तो ऑटोमेटिकली बंगाल जो है एक कंपेरेटिवली अदर एरिया जो हमारे बिहार के या फिर इंडिया के हैं उनसे बहुत डेवलप था कंपेरेटिवली। तो इससे होता ये था कि चूँकि बिहार भी बंगाल में मिल चुका है, तो जो और बंगाल में जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप था, तो वहाँ पे काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ पे थे, और इंटेलेक्चुअल लोग होने के कारण वहाँ पे जो एजुकेशन था या लिटरेसी था एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज वो बहुत था ज़्यादा। तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता था, वहाँ के लोग वेस्टर्न एजुकेशन में थे ज़्यादा, इस कारण से बिहार के लोगों में थोड़ा सा एक डिसकंटेंट, असंतोष पैदा हो रहा था। इस कारण से सेपरेट बिहार की मांग जो है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो इसी में मेजर स्टेप आता है क्या, हमारा एक नेशनल लेवल पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1880 में, जब हमारा मूवमेंट चल रहा था, मतलब 1880 में बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स थे, पिजन मूवमेंट थे, उसके कारण एक हमारा डिसकंटेंट तो था ही, तो उन्हीं सबको देखते हुए एक हमारा मेजर ऑर्गेनाइजेशन 1885 में बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में जब कांग्रेस बनता है ना, तो बिहार के बहुत सारे लीडर्स, उनको भी एक उम्मीद की किरण जगी कि नेशनल लीडरशिप जो हमारा है उनसे हम कुछ कह के और बिहार के बारे में सोच सकते हैं कि हमें अलग एक प्रोविंस बना दिया जाए। इसी क्रम में क्या होता है, कुछ इंसिडेंट आपको याद रखना है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, देखिए 1885 में जब हमारा INC का फॉर्मेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसके एक साल के बाद 1886 में बहुत सारे जो बिहार के लीडर्स हैं ना, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इस INC के सेशंस में। तो एक एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन क्या, कि सबसे पहली बार बिहार जो है, बिहार के लीडर्स वो INC के किस सेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किए थे या किए थे, तो वो था 1886 का, ठीक है।
इसके बाद ये इनिशियल जो पीरियड था ना कांग्रेस का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें बिहार में एक और थे हमारा दरभंगा, दरभंगा महाराज, मतलब दरभंगा किंग ऑफ दरभंगा लक्ष्मेश्वर सिंह, उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि बिहार से कौन से लीडर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को चंदा यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, वो थे दरभंगा के किंग लक्ष्मेश्वर सिंह। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी पीरियड में क्या होता है कि 1885 से लेकर 1889-90 तक नॉर्मल चल रहा था, लोग बिहार के लीडर्स आ रहे थे सेशंस में, कांग्रेस के लीडर्स को मोटिवेट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बिहार के बारे में देखो, हमें अलग अलग प्रोविंस बनाओ, ये चल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि मेजर इंसिडेंट होता है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, तो वो जाते हैं लंदन। कहाँ? लंदन। किसके लिए? तो एजुग्रेजुएशन पूरा करने के लिए लॉ में। अब जब वो वहाँ जाते हैं तो एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप जो है आपका बर्थ प्लेस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो जब उन्होंने बताया बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनके आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, यानी कि उनकी आइडेंटिटी को किसी ने पहचाना ही नहीं, बिहार क्या है, बिहार कौन सी जगह है, किसी को पता ही नहीं। तो उनको बहुत एक हर्ट लगा कि भाई बिहार को, जो कि एंशियंट टाइम से लेके मुगल टाइम से लेके अभी तक हमारा एक लैंडमार्क पीरियड रहा है और एक लैंडमार्क प्लेस रहा है, चाहे वो एंशियंट टाइम में हम देखें तो महाजनपदाज ले लो आप, चाहे मगध ले लो, है ना, मगध, वाजी, अंग, तीन हमारे थे बिहार में। फिर उसके बाद हमारा महाजनपद के बाद नंदास डायनेस्टी आता है, उसका भी कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था। नंदास के बाद अगर हम देखेंगे तो सिसुनाग, उनका भी हमारा कैपिटल था पाटलिपुत्र में। कनवास ले लो, उनका भी कैपिटल पाटलिपुत्र में। ऐसे ही करके आओ गुप्तास, फिर इम्पोर्टेंट पीरियड है, गुप्तास का भी था हमारा ये। उसके बाद अगर आप और मेडाइवल में आएंगे तो शेरशाह सूरी हो गए, है ना, जो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, और भी कई इंसिडेंट्स हुए थे। फिर हमारा जैनिज्म बुद्धिज्म एंशियंट पीरियड में बिहार से ही निकला है, है ना। फिर मेडाइवल में बात करेंगे तो हमारे सिख गुरुओं का, जैसे दसवें गुरु सिख गुरु हैं हमारे, गुरु नानक है, उनका पटना साहिब में जन्म हुआ था। तो हमारा बिहार जो है वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस, और हमारी खुद की आइडेंटिटी ही नहीं है, इस बात को लेकर बहुत धक्का लगा उनको। इसीलिए जब वो 1889 में लंदन जाते हैं, वहाँ ये सब होता है, तो वो रिटर्न करते हैं ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, 1893 में रिटर्न करते हैं वो। तो सबसे पहला जो वो काम करते हैं ना कि इस आइडेंटिटी क्राइसिस को मिटाने के लिए, वो एक मैगजीन शुरू करते हैं 1894 में, वो एक मैगजीन शुरू करते हैं। वो मैगजीन क्या था? वो मैगजीन था आपका बिहार टाइम्स। देखिए यहाँ पे लिखा है 1894, ठीक है, 1894 में बिहार टाइम्स वो करते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ याद रखिएगा। एक तो पूछता है कि बिहार टाइम्स किसने फॉर्म किया था, तो वो सचिदानंद सिन्हा ने किया था, लेकिन इनके और भी सहयोगी थे, उन सहयोगियों के साथ मिलकर इन्होंने ये फॉर्म किया था। तो वो कौन थे? तो ये लीडर आपको याद रखना पड़ेगा जो पूछा हुआ है, सचिदानंद सिन्हा, जो इनके फॉर्मर फाउंडेशन हो गए, जो फॉर्म किए इन्होंने। सेकंड थे महेश नारायण, ठीक है ना, महेश नारायण। थर्ड थे नंद किशोर लाल, और चौथा श्री कृष्ण सहाय। ये चार लीडर आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार ई ऑप्शन में बहुत हेल्प करेगा ये लीडर का नाम अगर याद रहा तो। अब ये होता है कि मेनली याद रखिएगा, सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था वो इसी मैगजीन ने निभाया था, क्योंकि ये फुली डेडिकेटेड ही इसी के लिए था कि कैसे बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाना है, इसके लिए लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे अवेयर करना है, कैसे मीटिंग्स में लोगों को अपने ओपिनियंस थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, वो सारा कुछ यही मैगजीन कर रहा था बिहार टाइम्स, याद रखिएगा। तो अब क्या है कि 1894 से लेके 1905, ये 10-11 साल का जो पीरियड है ना, इसमें इसने बहुत ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन को गैदर किया और पब्लिक को मतलब मोटिवेट किया कि डिमांड करो, बिहारियों को मोटिवेट किया डिमांड करने के लिए कि हमें अलग दो, हमें अलग करो बंगाल से। तो इसी बीच ये हमारा होता है पूरा, ये सब चीज़ें हो रहा है, इसमें क्या करते थे वो मैगजीन्स हो गया, मीटिंग्स हो गया, अवेयरनेस हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, वो सब कर रहे थे। इन सब करने के बाद एक मेजर लैंडमार्क इवेंट आता है 1905 का। 1894 में तो हो गया, 10-11 साल तक उन्होंने एक बैकग्राउंड बनाया, और फिर 1905 में जब हमारा बंगाल का विभाजन होता है, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, तो फिर क्या होता है कि उसमें अंग्रेज़ों का तो कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा है इसलिए हम उसको अलग कर रहे हैं, लेकिन मनसा क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अलग करना, है ना, एक सेपरेट डिवीजन पार्टीशन या डिवीजन डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी करना, वो तो ठीक है, इसके अगेंस्ट में सब लोग थे, लेकिन
जो हमारे बिहार के लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में थे, तो अगेंस्ट में तो थे, लेकिन वो एक और सुझाव ये दे रहे थे कि आप बंगाल को पूरा ना बांटो बल्कि बंगाल और बिहार को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है, और अगर देखो आप बंगाल और बिहार का, तो ना सिर्फ हम जोग्राफिकली थोड़ा अलग हैं बल्कि हमारा कल्चर भी अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा एथनिसिटी अलग है, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग है। इतनी सारी डिफरेंसेज अगर हैं तो क्यों ना हमें एक डिफरेंट, एक सेपरेट प्रोविंस दे दिया जाए। तो 1905 का जो इवेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको याद रखना होगा। अब देखिए, इस 1905 का इवेंट जो होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के होने के बाद होता यह है कि पूरे बिहार में दो तरह के एक्टिविटी होते हैं। एक तो हमारा एक पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होता है और एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू होता है। तो इन दोनों के बारे में हमें देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के लिए। पहला, 1886 में आपको बिहारी लीडर सबसे पहली बार INC के सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। दूसरा, दरभंगा के किंग लक्ष्मेश्वर सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। किसने किया था? दरभंगा के किंग लक्ष्मेश्वर सिंह ने। तीसरा फैक्ट, 1894 में कौन सा मैगजीन आया था? बिहार टाइम्स आया था। उसके फाउंडर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अदर असिस्टेंट लीडर्स कौन कौन थे? महेश नारायण, नंदकिशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय। और एक चीज़ ये पूछ सकता है कि इस मैगजीन के ऑडिटर कौन थे? तो ऑडिटर थे महेश नारायण। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, फिर 1905 में हमारा पार्टीशन हो जाएगा, और इस पार्टीशन के कारण जो सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार का डिमांड है वो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी होते हैं बिहार में और कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होते हैं बिहार में। तो अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या हो रहे थे और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या हो रहे थे। देखिए, अगर हम बात करें पॉलिटिकल एक्टिविटी की, तो सबसे पहला जो हमारा इवेंट आता है वो 1906 का आता है। 1906 में क्या हुआ था कि हमारा बिहार जो है ना, फर्स्ट टाइम में, देखिए ये जो हमारा है ना 1894, बिहार टाइम्स जो मैगजीन था, इस मैगजीन का नाम चेंज करके क्या होता है? बिहार टाइम्स, ये बिहारी। यानी कि 1894 में जो मैगजीन सज्जनानंद सिन्हा और महेश नारायण ने शुरू किया था, उसका नाम बदलकर हो गया बिहारी। वो हमारा है 1906 में हुआ था। और उसी टाइम अगस्त 1906 में जो हमारा है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक बिहार में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ना, यंग स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी हाईली मोटिवेटेड थे, मतलब एनर्जेटिक थे, उन सबको एड्रेस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि तुम आगे बढ़ो, लीड करो, उन चीज़ों को, डिमांड को आगे रखो, इसके लिए राजेंद्र प्रसाद ने एक बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का एस्टेब्लिशमेंट किया था। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि ये बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। किसके द्वारा? तो वो हुआ था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। इसमें फिर पूछता है कि जब ये हमारा बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस बन गया, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है अपना पहला सेशन करता है पटना में, तो पहला सेशन जो पटना में हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो प्रेसिडेंट थे सरफुद्दीन, याद रखिएगा, ये लोकेशन आपको इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, एक तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल एक तरह से एक्टिविटी हमारा चल रहा है, कैसे बिहार सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार को आगे रखने के लिए, ये एक स्टेप हो गया उन्होंने लिया। फिर इसके बाद और क्या होता है कि 1908 में कुछ एक्टिविटी होता है, ये होता है कि पूरे इंडिया लेवल पे तो कांग्रेस काम कर रहा था, लेकिन बिहार में जो कांग्रेस है ना, उतना ज़्यादा मतलब फेमस या पॉपुलर नहीं थे, उतना ब्रांचेस नहीं थे, लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो करें क्या कि कांग्रेस को रिवाइव भी करने के लिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी आया। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, मतलब एस्टेब्लिशमेंट होता है। कब होता है? पटना में होता है, 1908 में होता है। किसके लीडरशिप में होता है? तो वो होता है नवाब सरफराज हुसैन खान, याद रखिएगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908 में बनता है। क्यों? कांग्रेस का एक ब्रांच खुलता है बिहार में, और क्योंकि इनडायरेक्टली कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए भी, और बिहारी लीडर्स का ये भी सोच था कि अगर कांग्रेस रिवाइव हो गया तो नेशनल लीडर्स भी आएंगे बिहार में, और जब वो यहाँ आएंगे तो हम उनसे और अच्छे तरीके से मनवा सकते हैं कि भैया देखो, बिहार को अलग करो, बंगाल से अलग करो, हमारा आइडेंटिटी ही अलग है, ठीक है। इसलिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है नवाज सरफराज हुसैन खान के अंडर में। अब ये जो कमेटी है ना, कुछ अपना हर साल कॉन्फ्रेंस करता है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था, तो INC का हर साल होता था सेशन अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में हर साल। वैसे ही बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का
बिहार के अंदर अलग अलग जगहों पे हर साल कॉन्फ्रेंस होने शुरू हुआ। तो उसका जो पहला कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, और प्रेसिडेंट कौन थे? अली इमाम। इस कमेटी का फाउंडर्स मेंबर थे वो थे कौन? नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। लेकिन इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अली इमाम, याद रखिएगा। और इसी पहला कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो एग्जाम में पूछता है कि फखरुद्दीन नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने एक मेमोरेंडम पास किया, एक बिल, एक रिजोल्यूशन जो है ना, मतलब सब लोगों के सामने रखा सेपरेट प्रोविंस के लिए कि बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए, और इसको पूरे मेजोरिटी के साथ पास कर दिया गया था। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन से लीडर ने सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में एक रिजोल्यूशन पास किया था फॉर सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार? तो वो थे हमारे फखरुद्दीन, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, फिर या सेकंड इवेंट क्या होता है कि इसी कमेटी का सेकंड कॉन्फ्रेंस होता है, सेकंड कॉन्फ्रेंस वो कहाँ होता है? वो होता है भागलपुर में। तो याद रखिएगा, पहला कॉन्फ्रेंस था पटना में और दूसरा था हमारा भागलपुर में। अब यहाँ पे आता है कि भागलपुर में जो है, पटना यहाँ पे है, अगर हम मैप देखें, ये अगर आप मैप देखो बिहार का, तो पटना यहाँ पे है और भागलपुर यहाँ पे, एकदम यहाँ पे है। तो लीडर जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे कि इतने दूर वहाँ पे जा करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसको कराने में जो मदद किए थे ना, वो थे हमारे दीप नारायण, याद रखिएगा, दीप नारायण सिंह सेकंड कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था उन्होंने। तो ये हो गया हमारा बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, 1906 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस बना था, कौन बनाया था? राजेंद्र प्रसाद ने। पहले कौन थे इसके प्रेसिडेंट? सरफुद्दीन। फिर मेजर इवेंट क्या होता है 1908 में, जब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बिहार में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनता है, और इस कमेटी का फाउंडर मेंबर थे कौन? नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। और ये जो कमेटी है वो हर साल कॉन्फ्रेंस करता था, जैसे हम बोल रहे बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। तो उसके पहले मेंबर कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे उस कॉन्फ्रेंस का? अली इमाम। और दूसरे जिनकी हेल्प से हुआ वो थे दीप नारायण सिंह। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके बाद जो मेजर इवेंट आता है वो हमारा एक लैंडमार्क होगा, याद रखिएगा, 1911 में। अभी देखिए, ये जब हमारा हो रहा है तो इस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मिंटो, ठीक है। जब हमारा 1911 आता है तो हमारे जो गवर्नर जनरल हो जाते हैं वो होते हैं लॉर्ड हार्डिंग हो जाते हैं। अब इन्हीं लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में क्या होता है कि दिल्ली दरबार होता है, दिल्ली दरबार, ठीक है। अब दिल्ली दरबार में कुछ फेमस इंसिडेंट्स होते हैं, एक फेमस डिसीजन लिया जाता है जो कि एक पूरा हिस्टोरिक इवेंट बन जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ और, कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में पूरे 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है, 3 बार। पहला हुआ है आपका 1877 में, कब हुआ है? 1877 में। दूसरा जो है ना वो हुआ है 1903 में, और तीसरा हुआ है 1911 में, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है दिल दरबार में, इसमें ये होता है कि आपका जॉर्ज फाइव जो थे ना, जो हमारे ये इम्पीरियर थे लंदन के, उनका सेरेमोनी होता है, कोरोनेशन, ताजपोशी होता है, वो अटेंड कर रहे थे, तो बस सिंपली याद रखिएगा। और इसमें एक मेजर इवेंट होता है कि जो हमारा कैपिटल था उस समय तक था कलकत्ता, तो कलकत्ता से शिफ्ट हुआ कहाँ? दिल्ली। और तीसरा, एक अनाउंसमेंट करते हैं जॉर्ज फाइव कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम रद्द करेंगे, अनरेशन हो जाएगा। दूसरा, बिहार को और उड़ीसा को हम एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेपरेट करेंगे, किससे? बंगाल से। और तीसरा ये था कि तीसरा बस यही 3 था, कैपिटल शिफ्टिंग हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया, और उसके बाद बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया, किससे? हमारा बंगाल से, ठीक है। ये हमारा मेजर इवेंट हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद जब ये अनाउंस इन्होंने किया था दिसंबर 1911 में, तो इफेक्ट में कब आया? तो उसके जस्ट एक साल, मतलब कुछ महीनों के बाद, 1 अप्रैल 1912 को फॉर्मली जो बिहार जो है ना वो एक सेपरेट स्टेट हमारा बन गया फ्रॉम बंगाल। हालांकि उड़ीसा अभी भी जुड़ा हुआ था, लेकिन कह सकते हैं कि बिहार और उड़ीसा हमारा बंगाल से अलग हो गया। तो ये हमारा मेजर इवेंट हो गया कि अनाउंस कब हुआ? दिसंबर 12 1911। और इफेक्ट में कब आया? तो 1 अप्रैल 1912। अब ये जो 1912 है ना, इसमें कुछ और चीज़ें हुई थी, वो क्या थी कि 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इवेंट हुआ था, सेशन हुआ था, जो कि पूरे बिहार में सबसे पहला कांग्रेस का इवेंट था। बिहार में कांग्रेस का पहला सेशन था, वो था हमारा बांकीपुर पटना में, और ये बिहार में पहला था लेकिन कांग्रेस का 27वां था। कैसे? तो 1885 है ना हमारा, इसमें अगर आप 27 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? 1912।
ठीक है। तो 1912 यानी कि 27वां सेशन था हमारा किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसमें दो तीन पॉइंट क्या है, किसके प्रेसिडेंट कौन थे, आर एन मुधोलकर, हुआ कहाँ था, तो बांकीपुर पटना में। और इसमें दो कमेटी याद रखिएगा जो कि बिहार लीडर को जिम्मा दिया गया था, एक था रिसेप्शन कमेटी और एक थे जनरल सेक्रेटरी। तो रिसेप्शन कमेटी जो थे उनके थे मजहरुल हक, इसका मतलब होता है स्वागत समिति, यानी कि जो जो भी लोग आएंगे उनका स्वागत कैसे होगा उसका जिम्मा दिया गया मजहरुल हक को, रिसेप्शन कमेटी का। और जनरल सेक्रेटरी बनाया गया डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये आपका एक पॉलिटिकल इवेंट हो गया जो हमारा 1906 से लेकर 1912 तक चल रहा है। अब इसी 1906 से लेकर 1912-14 तक हमारा कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी भी होगा, यानी कि लोग जो हमारे लीडर्स हैं ना कुछ एग्रेसिव, वो बॉम्बिंग करेंगे, वो किलिंग करेंगे, असासिनेशन करेंगे। तो उसमें क्या है, सबसे पहला जो इवेंट है ना वो हमारे बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 1906 का रामकृष्ण सोसाइटी, जो कि बाबा जी ठाकुर दास ने एस्टेब्लिश किया था लोगों को रिवोल्यूशनरी जो हमारे माइंडसेट के लोग थे ना उनको मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। रामकृष्ण सोसाइटी याद रखिएगा 1906 में हमारे करते हैं बाबा जी ठाकुर दास ने। इसके बाद जो हमारा एक फेमस इवेंट है ना सिर्फ बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अप्रैल 1908 का इवेंट। अप्रैल 1908 का इवेंट, इसमें क्या होता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों जो है ना जज, जो हमारे मुजफ्फरपुर के जज थे ना किंग्स फोर्ड, मुजफ्फरपुर यहाँ है ठीक है, तो मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्स फोर्ड, इस किंग्स फोर्ड को मारने के लिए बॉम्बिंग किया इन्होंने कोर्ट में। लेकिन हुआ क्या कि किंग्स फोर्ड तो बच गए लेकिन एक लॉयर थे वहाँ के, वो थे किंगली, वो कैनेडी पिंगली, वो थे आपका वो थे वहाँ पे पिंगली कैनेडी, पिंगली कैनेडी। तो पिंगली कैनेडी की वाइफ और डॉटर, इन दोनों की हत्या हो गई ठीक है अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। इसमें होता क्या है कि इन पे मुकदमा चला जाता है इन दोनों पे। तो इसमें ये पूछता है सिंपल कि प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस किसको मारने गए थे, किंग्स फोर्ड जज किंग्स फोर्ड को, लेकिन मारे कौन गए, तो मिसेस पिंगली कैनेडी के वाइफ एंड डॉटर। फिर उसके बाद क्या होता है, तो खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हो जाती है और हमारे प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं। तो ये एक मेजर इवेंट हो गया ये वाला। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है मेजर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन बिहार, वो था 1913। 1913 में जो अनुशीलन समिति है ना जो बंगाल में हुआ था उसका एक ब्रांच खोला गया पटना में ठीक है ना। ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति जो है हमारा ओपन होता है पटना में किसके द्वारा, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा पटना में। तो याद रखिएगा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति जो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, उसका एक ब्रांच खुला था पटना में किसके द्वारा, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। इसके बाद ये पूछता है कि इन सब के बाद और भी कोई लीडर थे क्या जो बिहार में एक्टिव थे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी, तो हाँ दो तीन और थे। सबसे पहला एक नाम आता है इंदुनाथ नंदी का। तो इंदुनाथ नंदी जो है ना वो फेमस है कि मैजिक लैंटर लाइट होता है लालटेन, तो मैजिक लालटेन लेके अलग अलग जगहों पे लोगों को इंस्पायर कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के लिए। तो याद रखिएगा मैजिक लैंटर्न और इंदुनाथ नंदी, इन दोनों को याद रखिएगा। मैजिक लैंटर्न लेके किसने किया था, इंदुनाथ नंदी ने क्या लेके किया, मैजिक लैंटर्न। फिर हमारा आता है दो और, एक आता है भागलपुर और एक आता है बक्सर। तो भागलपुर में एक पर्सन थी रेवती नाग, याद रखिएगा रेवती नाग। तो रेवती नाग जो है ना वो जैसे कि हमारा बंगाल में हमारा अनुशीलन समिति था, वैसे ही ढाका में भी था एक ढाका अनुशीलन समिति जिसको फाउंड किया था पुलिन दास ने। तो ढाका अनुशीलन समिति की एक मेंबर थी ये रेवती नाग, इन्होंने भागलपुर में काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिविटी किया था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो याद रखिएगा रेवती नाग जो है वो जुड़ी हुई हैं भागलपुर से। और उसके बाद एक आते हैं आपका यदुनाथ सरकार, ये जो है बक्सर में कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे थे। तो ये आपका एक हो गया रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ठीक है। तो फिलहाल कंक्लूजन ये निकला कि 1912 में जब हमारा बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बन जाता है तो होता यह है कि बिहार का एक अपना
पहचान हो गया है। अब जो है ना, जो भी आगे के इवेंट आएंगे, जैसे होम रूल लीग होगा, गांधी जी का चंपारण मूवमेंट होगा, फिर खिलाफत होगा, नॉन कोऑपरेशन होगा, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत होगा, फिर स्वराज पार्टी बनेगा, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, फिर उसके बाद हमारा जनरल इलेक्शंस होगा, तो उस इलेक्शंस में बिहार का क्या रोल होगा, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा उसमें क्या रोल होगा, ठीक है, फिर अलग अलग म्यूटनी होते हैं उसमें क्या रोल होगा, फिर कैबिनेट मिशन आता है उसमें क्या होगा, 1947 का इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, इन सारे में बिहार का भी रोल होगा। एक बिहार फुली फ्लेज अपने बल पे कंट्रीब्यूट करता है फिर नेशनल हिस्ट्री में। इसलिए 1912 के बाद का जो बिहार आएगा ना, वो हमारा हो जाता है सिंपली एक सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट बिहार का एक रोल नेशनल हिस्ट्री में। तो आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा कि बिहार कैसे कैसे हमारा बना है और कौन कौन से लीडर का रोल है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, आई होप कि मेरी ये कोशिश थोड़ी बहुत आपको समझाने में सफल हो पाई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।